सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे हुड्डा ब्रदर्स चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारे किसान भाइयों के लिए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएं जिससे ये इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज की वीडियो हमारी जो सरसों थ्रेसिंग से पकने से पहले निकाल ली गई थी, उस सरसों को साफ कैसे करें जो सफ़ेद हो गई है। तो आप सरसों को देखो पहले ध्यान से। तो आप अब देख सकते हैं कि पूरी पूरी सरसों ख़राब हो गई है। तो अब इसको साफ़ कैसे करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बाल्टी पानी लो, उसमें सरसों को अच्छे तरीके से धो, कुछ इस प्रकार से धो के इसकी ऊपर की सफ़ेदी पूरी की पूरी उतार लो, फिर पानी को अलग करो और सरसों को अलग रखो। बाद में आपको एक सूखा कपड़ा लेना है जिसको ज़मीन पर बिछा कर अच्छे से उस पर सरसों डाल दो जिससे पानी ज़मीन के अंदर चला जाए और सरसों को धूप में सुखा दो जिससे आपकी पूरी पूरी सरसों की नमी है वो निकल जाएगी, सरसों की अच्छी क्वालिटी बन जाएगी। तो हम 2-3 दिन तक धूप में सरसों को सुखा देते हैं अच्छे तरीके से, बाद में देखते हैं। ये देखो सरसों का रंग अलग ही हो गया भाई, एक नंबर की सरसों लग रही है अभी देखो आप। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाओ जिससे इस वीडियो का किसान भाई लाभ उठा सके।